बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद असलम रादर है यूट्यूब चैनल शायरी मिनी ज़ू। राज माशाल्लाह से आपने पिछले व्लॉग्स वगैरह में दे दिया हो कि हमारा सेटअप का सामान वगैरह आया था केजिस का, उसके बाद उसके दरवाजे वगैरह भी बन गए माशाल्लाह साहब। आज उसकी बारी है जी रंग करने की। रंग करने के लिए हमें कुछ छोटा मोटा सामान जरूरत पड़ेगा, रंग की डब्बियाँ, अस्तर और मिट्टी का तेल, जिससे हम ये वाला पाइप जो है ना ये हम फुल काले, देखा ना मैंने हल्का हाथ लगाया, हाथ काले हो गया, इसको धोना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये रंग करना पड़ेगा हमें। और उसके बाद इस वाले सेटअप की गाय जब ये भी इतनी ज़ोर का मारता है ना बंदे को डाल लेता है, देखना मैं अंदर हाथ डालने लगा गाय भाग जाएगा। बहुत तेज़ हो गया वाला मुर्गा। उसके बाद इस वाले सेटअप की अपडेट देते चलो। जो यहाँ पे माशाल्लाह से जो मुर्गियाँ थी हमारी, इनने दो अंडे दिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, वो देखें अभी तो दो अंडे दिए हैं और अभी टाइम हो रहा है जी दोपहर का। उसके बाद हमारे जो टर्की बर्ड वगैरह, इनने अभी तक कोई अंडा शंडा नहीं दिया। उसके बाद दो अंडे यहाँ पर आए हैं, आप चलते हैं जी। चिक्स को भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे इंक्यूबेटर में से बच्चे वगैरह निकले थे ना, वो भी मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। उसके बाद जो दूसरे सेटअप की अपडेट वगैरह वो भी आपको चल के बताता हूँ। उससे पहले पहले आप कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में खड़े हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, फिर करते हैं जी वीडियो शुरू। मैं आपको दूसरे वाले सेटअप की अपडेट देता चलूँ, मैं आपको चिक्स भी दिखाता हूँ। उसके बाद देखे माशाल्लाह से ये है जी हमारे जो के जिसके दरवाजे वगैरह बनने थे ना, ये तो रेडी हो चुके हैं। ये भी यहाँ से आरजी रखा हुआ है, लगाया शगाया नहीं है। ये केजेस भी हमने खुद ही बनाए थे, आपने देखा होगा, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे ना फ़र्क आ रहा है। ये देखें यहाँ पे कितना फासला है, यहाँ पे भी फासला है, इधर भी है पड़ा। ये देखें यहाँ कैसे टच हुई पड़ी है दीवार के साथ, इसलिए हमें ये वाली थोड़ी सी दीवार तोड़नी पड़ेगी ताकि सारा सारा पीछे चले जाए। इसको भी देखेंगे, अगर तोड़ना पड़ा तो तोड़ेंगे, वरना इसको नहीं तोड़ेंगे। बस वही वाली जगह की सेटिंग मेटिंग करके ना उसी वाली दीवार की इसको सेट कर लेंगे। अगर ये भी थोड़ा बहुत तोड़ना पड़ेगा तोड़ लेंगे, वरना वो वाले केजेस जो हैं वो थोड़े आगे कर लेंगे। वो सारी सेटिंग वगैरह देखते हैं क्या बनती है सेटिंग, उसके बाद जो मसला मसाइल होगा वो फिर आपके साथ शेयर करूँगा मैं। इसको आज उतार कर ना यहाँ से हमने दूसरे वाले सेटअप पर लेके जाके, जब जगह नहीं है ना इधर दरगाह में चल पड़े, उस वाले सेटअप पर जाके इसको रंग शंग भी करना है। उसके बाद की छत वगैरह जो थी वो देखें, वो थोड़ी बहुत टूट रही है वहाँ से, क्योंकि नीचे कोई पक्की सपोर्ट नहीं है ना। इसका मैंने अब वो कहा है कि इसके ऊपर मोटा सरिया जो लेंटर वगैरह में डलता है ना, वो सरिया थोड़ा बहुत डलना है इसके ऊपर, वो डाल के ना इसको पक्का सीमेंट बजरी डाल के ना ऊपर एक और लैंड बना लेते हैं पिंजरों की ना। यहाँ पे जैसे ये रखें, ये चार केजेस हैं अपने माशाल्लाह से, ऊपर भी ऐसे चार केजेस आ जाएँ। ईंटें हमारे पास यही पड़ी हुई हैं इस जगह पर भी, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ। ये रखें ईंटें यही पड़ी हुई हैं और कुछ ईंटें और वो भी पड़ी हुई हैं। इसमें ना हमारा सारा काम वगैरह हो जाएगा आराम से, हमें ईंटें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जो ईंटें पड़ी हैं वो भी काम लग जाएंगी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे क्या करना। अभी इस वाले सेटअप को रेडी करते हैं, नीचे वाले चार केजेस रेडी करके जो टर्की बर्ड वगैरह वो हमें शिफ्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना ये वाली जो मुर्गियाँ सुर्गियाँ थी इनकी सेटिंग मैं डेली करता रहता हूँ, जैसे जैसे मुझसे लगते ना सेटिंग इनकी मैं सही करता रहता हूँ। उसके बाद हमारी देसी वाली मुर्गी भी अंडे दे रही थी, इसने अब ये कोई अंडा छंडा नहीं दिया, लेकिन असील जो है यह डेली लगातार एक एक अंडा दे जा रही है। देखिए माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आज माशाल्लाह इसका ये तीसरा अंडा आ गया। ये रखें, ये भी अंदर जा कर रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई अपडेट वगैरह नहीं है, आपने इसके अंदर बच्चे थे वो आपने पिछले ब्लॉग्स में देख लिए होंगे, वो मैं आपको दोबारा एक बार दिखा दूंगा। और इधर अभी कोई गुड न्यूज़ वगैरह नहीं आई, चाह पाएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। इसको अंदर रखते हैं और इस अंडों की भी अपडेट वगैरह देता हूँ, टर्की कितने हो गए हैं और असील के देसी कितने हो गए हैं। उसके बाद आपको चिक्स दिखाता हूँ। आज मैं अंडों की तरफ आ गया और ये है जी माशाल्लाह से असील के तीन अंडे, रखें पीछे पाँच डब पड़े हैं वो टर्की के हैं, और ये जो तीन अंडे पड़े हैं देसी के, मैंने अपने अंदाजे से यहीं पर उठा कर आ दिया। टाइम हो जाता है चिक्स का, हमारा जो यहाँ पे चिक्स था ना येलो वाला सबसे बड़ा, जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, वो पता नहीं किस तरीके से सुबह आया हूँ मैं, एक्सपायर हुआ पड़ा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैं नीचे चला गया था, भाई ने इसको उठा के दफना दिया था, क्योंकि मैं नहीं दे सकता था कि मैंने छोटा सा इसको बड़ा किया इतना, ये छः चिक्स बचे थे और एक और एक्सपायर हो गया। माशाल्लाह शहर से ना मिट्टी का तेल और ये दो रंग की डब्बियाँ, ये बताता हूँ किस कलर की हैं और ये एक अस्तर है। सबसे पहले ना ये मिट्टी का तेल है, इसको हम किसी बोतल शोतल में डाल के फिर आपसे मिलता हूँ मैं ना। मिट्टी का जो तेल था वो मैंने शापर में डाल लिया और देख थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो गया। अब जाके अपने फ्रेम वहाँ से उठा के यहाँ लगाते हैं, इस सारी जगह करके ना यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर फिर इसको धो धो के साफ़ सुथरी करके यहीं पर रंग करके खड़ी कर देंगे, फिर उस टाइप की सफाई वगैरह भी कर लेंगे। Oh, oh, oh।
गाइस माशाल्लाह जो फ्रेम थी वो मैं सारी की सारी इधर ले आया हूँ। अब ऊपर पंखा भी मैंने चला लिया है, हमने मारना है मिट्टी का तेल, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सूखने में इसको टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा छाँव में काल लिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी यहाँ पे मिट्टी का तेल मार के इसके ऊपर धूप में कर देंगे। उसके बाद हम एक चीज़ भूल गए, हम वो है जी बुरश, वो भी हमने जाकर मार्केट से लेके आना, इसलिए मैंने कहा पहले मिट्टी का तेल हम इसको मारते चले फिर जाकर मार्केट से ना बुरश ले आते हैं, इसलिए फटाफट मिट्टी का तेल मार के इसको उधर करते हैं। फिर पंखा भी चलता रहेगा, जल्दी सूख जाएगा फ़ौरन। उसके बाद हम जाकर जितने दिन बुरश लेके आएंगे ना सूखा पड़ा होगा, फिर हम इसको रंग रंग करना शुरू कर देंगे। आज इंशाल्लाह ये ना जो है फाइनल करना। गाइस देखा मैंने कितना सारा साफ़ कर लिया, कुछ ना कुछ बेहतर हो गया, और रात भी सारे काले हो गए थे। देखा मैंने कुछ ना कुछ हाथ धोए हैं, अभी इसको कुछ टाइम लगेगा हाथ साफ़ होने में ना। बाकी इधर जो ग्राइंडर वगैरह मारने थे मैंने सारे पे ग्राइंडर श्राइंडर भी लगा लिया, जहाँ पे उतारे तुरे ज़्यादा आ गए थे, हर चीज़ साफ़ सुथरी कर ली है। अब इसको थोड़ी देर पंखे और धूप में सूखने देते हैं, तो इधर जाकर हम बुरश ले आते हैं, आगे फिर 5-10 मिनट के बाद इसको रंग करना शुरू कर देंगे। अभी हमने रंग शंग भी बनाना है, और आपको बताना भी रंग कौन कौन से हैं, कि अपने पिजन वगैरह को खुले छोड़े देखें, ये लक्के हमारे यहाँ फिर रहे हैं, और दो जो थे वो गए बैठे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और दो जो हमारे ब्राउन वाले थे ना, ये कुछ छत पर चला गया, फिर इनके लिए चला गया, खुद ही डरे हैं अपने किस चीज़ से, सारे उड़ गए हैं। ये लक्का भी ऊपर बैठा हुआ था, ये नीचे आ गया, पता नहीं इन्हें खड़का खुड़का किया, पता नहीं क्या, ये नीचे आ गया, बाकी दो उधर गए हैं, एक कुछ छत पे, बाकी पता नहीं किधर है। गाइस जो लक्के थे ना वो तो अपने अंदर आ गए बैठ गए, तीन ये बैठे हैं, बाकी जो एक पेड़ था जो सामने वाली दीवार पे बैठा था उधर वाली, वो उधर चला गया, और दूसरे वाला ब्राउन वाला गुम हो गया, दोनों इनको तो पकड़ के चलो छोड़े। गाइस मैं जाकर ना दो बुरश और ये रंग वगैरह पहले ले आया था, बुरश भी अब ले आया हूँ, और इधर दो अंडे हैं ये भी हम थोड़ी देर में निकालते हैं, और जो हमारे पिजन थे वो भी वापसी आ गए, अभी इसको रंग करना शुरू करते हैं। दो वापसी आ गए, दो भी छत के ऊपर बैठे हैं, वो भी आ जाएंगे। उसके बाद आपको कलर मैं दिखाता चलूँ, ये जो बड़ा है ना क्वार्टर, ये है जी रेड कलर का अस्तर, उसके बाद ये है जी येलो कलर, उसके बाद है जी ये रेड कलर, ये दो हम मिक्स करेंगे और ये सारा अस्तर करेंगे हम। फटाफट इनको भी किस चीज़ का इसी डब्बे के अंदर मिक्स करके ना इसी के अंदर लगाना शुरू कर देते हैं। गाइस माशाल्लाह से काफ़ी देर काम करने के बाद ऊपर लाइटें शाइटें भी मैंने दो दो ऑन की हुई हैं, और काफ़ी देर काम करने के बाद रात हो गया माशाल्लाह से, एक बार अस्तर का सारा कोट लग गया, सिर्फ जाली पे कोई ये जाली रह गया, ये रह गया, ये रह गया, दो छोटे भी रह गए और एक ही खाना रह गया, बस जालियों का अस्तर करना रह गया, बाकी माशाल्लाह सारा फ्रंट फ्रंट से हो गया। बाकी इंशाल्लाह रंग जो है वो सुबह करेंगे, अस्तर भी पड़ा हुआ अभी, बाकी मैंने हाथ वगैरह अभी धो लिया, आपसे जाते हैं शॉप पे, बाकी सुबह आकर सारे को सुबह सुबह जल्दी उठ जाएगा ना। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ क्या हो रहा है, वही उसी टाइम का लगा पड़ा हूँ मैं, वो वीडियो बंद हो गई थी चलना, पहले मैंने चला के छोड़ी थी, लेकिन टाइम लेस बनना बंद हो गए थे, लेकिन मैं काम करता रहा था। अभी सारे काम को यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं नीचे।